एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी फाइनेंस के लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। इस स्टॉक के बारे में क्या ही कहना है, अपने सेक्टर का किंग जेम। मतलब अगर कोई बैंक मुझे पसंद है, बेहद बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो है सीधे सीधे HDFC बैंक, सेकंड नंबर पे ICICI बैंक और थर्ड नंबर पे भी एक बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। थोड़ा सा महंगा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, बट हाँ महंगा और महंगा होता है इस मार्केट में, ये स्टडी आपको पता होगा। स्टॉक की थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे, जो लेवल निकल के आएंगे वो बताऊंगा, फिबोनाची का भी लेवल बताऊंगा, तो इसलिए टेक्निकल पॉइंट पे लास्ट पॉइंट पे आप लोग बने रहिएगा। वन मंथ में क्या परफॉर्मेंस रही, तो इसलिए वन मंथ की फिबोनाची लेवल आपको बताने वाला हूँ। अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करते हो तो खास हमें देखने को नहीं मिला, लगभग यहाँ पर 1.5% 1 से 1.5% की गिरावट भी मार्केट के दौरान देखने को मिली। 1049 पे ओपन होता है शेयर। पूरे गिरावट की बात करें तो 1.02% की गिरावट देखने को मिली। लगभग बात करें क्लोजिंग बेसिस से पहले की, तो एक देख सकते हो यहाँ पर आपको ₹1550 देखने को मिल रहा था क्लोज ओपन, मतलब हाईएस्ट पॉइंट की बात करें। अब यहाँ पे लेके चले आपको और डिलीवरी एग्जैक्ट क्लोजिंग की बात करें तो ₹1533.70, यानी प्रोविजनल क्लोजिंग से भी नीचे इसने क्लोजिंग दिया। लगभग आपको वहाँ पे 1.5% के आसपास की गिरावट वाली क्लोजिंग मिल जाएगी। बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बहुत ही शानदार लेवल में वॉल्यूम बढ़ रहा है, देख सकते हो, यानी कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे पोजिशन बना रहा है। डिलीवरी की बात करें 30 लाख की डिलीवरी, 52 लाख की ट्रेडिंग, जिसमें 30 लाख की डिलीवरी, 57% गजब की डिलीवरी, 50% से ज्यादा की डिलीवरी ऐसे स्टॉक्स में सच में एक मतलब बहुत जबरदस्त बात है, और कोई बहुत बड़ा प्लेयर है जो यहाँ पे जगह बना रहा है। टेक्निकल पॉइंट पे ये बात कर रहा हूँ। अब आते हैं फंडामेंटल्स पॉइंट पे, जो फंडामेंटल्स चेंज होने वाले हैं इस स्टॉक में। HDFC बैंक टू रेज अप टू 5000 करोड़ वाया इंफ्रा बॉन्ड। इंफ्रा बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर HDFC बैंक क्या करने वाला है, 5000 करोड़ पैसे उठाने वाला है। अब इंफ्रा बॉन्ड के बारे में जो भी देखिए, पैसे मार्केट से अगर किसी कंपनी को पैसे उठाने हैं तो उसके दो तीन मेथड होते हैं। पहला होता है आप बॉन्ड इशू, वो शेयर को डाइल्यूट करो या शेयर और इशू करो। शेयर को अगर डाइल्यूट करेंगे लाइक अपने मार्केट में और शेयर डंप, मतलब ये और ऑफर फॉर सेल लाएंगे, या किसी और माध्यम से शेयर के थ्रू पैसे इकट्ठे करना प्लेज करके, जो भी मेथड हो। दूसरा होता है बॉन्ड इशू करके, तो बॉन्ड इशू करने वाला इन्होंने रास्ता यहाँ पे चुना है। दो बॉन्ड वे आर लाइकली टू 6.45 to 6.58% विद 7 ईयर मैच्योरिटी, यानी 7 ईयर के मैच्योरिटी के लिए इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो एक अच्छा यहाँ पे इनका जो है ये बन जाता है, परसेंटेज भी अच्छा खासा है, तो एक अट्रैक्टिव प्राइस पे ये बॉन्ड भी ला रहे हैं अट्रैक्टिव ऑफर के साथ। तो ये जल्दी ही सब्सक्राइब होने के चांसेस भी बनेंगे अगर ये लाते हैं बॉन्ड मार्केट ओपन मार्केट में। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीजों पे, देख सकते हो आज ही की न्यूज है, कल की न्यूज है, लगभग रात के 10 बजे के आसपास आई थी। उसका कोई खासा असर हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें देखने को जरूर मिलेगा, आगे बताऊंगा कैसे। HDFC बैंक एम टू डबल रिटेल लोन्स। HDFC बैंक एक टाइम में माना जाता था कि सिर्फ रिटेल लोन के लिए बना हुआ, और काफी मतलब इनका बिजनेस कैप्चर यही कारण है कि HDFC बैंक आज इस लेवल पे है। HDFC बैंक हेड ऑफ फॉर रिटेल एसेट्स अरविंद कपिल स्टेटेड द अनसर्टेनिटी इज डिक्लाइनिंग एंड डिमांड इंप्रूविंग एज बिजनेस सीक टू बोल्स्टर ग्रोथ। यानी HDFC बैंक देखिए, रिटेल लोन का पहला एक कारण होता है NPA कम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोन्स में क्या होता है, यस बैंक वाली सिचुएशंस क्रिएट होती रहती है, वो यहाँ पे नहीं होगी। और इनका जो है यहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट डबल करने का सोच रहे हैं, लगभग मतलब 100% का ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले अपने कई सालों में अपने रिटेल सेगमेंट की। अब बात करते हैं तीसरे न्यूज की, तो तीसरा आर्टिकल जो निकल के आ रहा है आप देख सकते हो, HDFC बैंक हैज अंडर परफॉर्म मार्केट दिस ईयर बट मोतीलाल ओसवाल सीज 14% अप साइड नाउ। यानी देखिए, ये मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है और मोतीलाल ओसवाल का रिकमेंडेशन है यहाँ से 40% अप जाने का, और मेरा भी मानना है कि HDFC बैंक से ऐसी अंडर परफॉर्म वाली स्थिति नहीं मानी जा सकती। जैसा कि आपको देखने को मिला, जितने भी सेक्टर अंडर परफॉर्म किए हैं लाइक ITC जो भी है, वो एक बार अपने आप को प्रूफ जरूर करेगा अगर वो है जायंट तो।
द बैंक इज नाउ लुकिंग टू रीगेन इट्स लॉस्ट मार्केट शेयर अक्रॉस कार्ड सेगमेंट. कार्ड सेगमेंट में जो भी इनको लॉस हुआ, कार्ड सेगमेंट को इनको बैन कर दिया गया था, आपको पता होगा, वो सारा अब इनको रिकवर करना है. आते हैं आप चार्ट पैटर्न पे. चार्ट पैटर्न पे अगर देखें तो देख सकते हो आरएसआई इंडेक्स काफी अच्छा है, लाइक फियर जोन में 46 के आसपास है, एक्सट्रीम जोन में घुस जाएगा जब 30 के नीचे चला जाएगा. तो यहाँ पे पॉइंट हमारे लिए, एक लेवल की बात करें तो देख सकते हो एग्जैक्टली अगर मैं लेवल ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो आपको इस लेवल पे एक्युमुलेट करने का लिए अच्छा पॉइंट बन जाता है. इस बीच में कहीं भी रहे, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक सपोर्ट अवेलेबल है, तो इसके नीचे थोड़ा सा भी अगर जाता है फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा. एक टेस्टिंग कर दिखा सकता है 1542 का लेवल, 1524 का लेवल. अब बात करेंगे रेसिस्टेंस के लेवल्स का, जो कि निकल के आ रहा है ऊपर में. रेसिस्टेंस के लेवल के बात हम लोग करें अगर यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 1591 निकल के आ रहा है पहला रेसिस्टेंस लेवल 1591. दूसरा रेसिस्टेंस लेवल भी आपको बता रहा हूँ 1639 का दूसरा रेसिस्टेंस लेवल. थर्ड की बात करें, ये पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप फिर आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग बताऊंगा. अभी यहाँ बात करें थर्ड रेसिस्टेंस की, तो 1698, ठीक है. तो क्या हो गया, 1591, 1639 और 1698, तीन रेसिस्टेंस लेवल बता दिया आपको. अब आते हैं इसमें लाइक लॉन्ग टर्म अभी टारगेट क्या है. लॉन्ग टर्म टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 1800 से ऊपर, यानी 1900 से लेकर 2000 स्टिक है मेरा पॉइंट. जबकि मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च यहाँ पे जो बता रहा है टारगेट आपको 1800 रुपये का यहाँ पे टारगेट इन्होंने दिया हुआ है. अब आते हैं यहाँ पर सपोर्ट लेवल की बात कर ले. सपोर्ट आपको काफी नजदीक है, 1524 रुपये का पहला ही सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है. एक बार सपोर्ट टेस्टिंग भी कर सकता है. दूसरे सपोर्ट की बात करें तो 1466 रुपये का. थर्ड सपोर्ट की बात करें यहाँ पर, तो वो काफी नीचे आ जाता है आपको 1300 रुपये के आसपास, 1351 पे, यानी लगभग लगभग 1360 आप मान के चल सकते हो, ठीक है. सपोर्ट लेवल की बात डिस्कशन हो गया. अब बात करते हैं यहाँ पर आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग क्या क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकल कर रहे हैं. तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग लेवल्स नोट कर लीजिएगा, वन मंथ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप स्विंग वन मंथ के लिए पकड़ सकते हो चाहो तो. 1591 पहला रेसिस्टेंस, दूसरा 1632 और तीसरा 1698, लगभग सेम ही लेवल निकल के आ रहा है. यहाँ पे बात करें तो 1458 सपोर्ट, 1417 सपोर्ट और 1451, तीनों लेवल लगभग लगभग सेम निकल के आ रहे हैं, जो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे देखने को मिला, ठीक है. अब बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, तो देखिए वॉल्यूम लगभग लगभग एवरेज वॉल्यूम इतना ही, कल वॉल्यूम में हमें एक जंप अगर देखने को मिलता है तो समझ लीजिएगा कि वहां पे धमाका हो सकता है यहाँ HDFC बैंक में. आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सबका ख्याल, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें. मैं इस स्टॉक में थोड़ी सी अपनी पोजीशनिंग बनाने की सोच रहा हूँ, लेवल मिलते हैं, इंडिकेशन मिलते हैं, मैं बाय करूंगा.